ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन एक कहते हैं ना माँ की पूजा, एक हमें, मैं एक्चुअली विंध्याचल की पंडित हूँ, 5000 भाइयों की अकेली बहन हूँ, लेकिन एक विंध्याचल का नाम तो नहीं दे सकते ना, तो मैंने उनकी साधना करके अपने लिए एक नहीं यही नाम सोचा कि जय बा बगलामुखी चैनल करते हैं। तो इस बैनर के नीचे किस तरह से कार्यक्रम या प्रोग्राम सोशल वर्क किस तरह से आप करते आ रहे हैं? मैं तो देखिए जिस तरह से भी मुझे बहाना मिले मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि बैनर लगाते हैं, कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में भी कितनी जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, हमने अनाज बांटे सब की, अभी ये भी एक स्कूल के लिए वही कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ ना कुछ तरीका रहता है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा था, बुद्ध पूर्णिमा को खास बनाने के लिए आपने किस तरह से आज के कार्यक्रम के आयोजन की सोची? मैंने एक्चुअली हम लोग 2 साल से सोच रहे हैं कि स्कूल खोलने के लिए, देखिए मैं खुद लेडीज हूँ, लड़की हूँ, औरत हूँ, तो मैंने भी सोचा था कि बहुत आगे पढ़ना है, लेकिन हमारे जनरेशन में आपको पता है पढ़ने नहीं मिला था, तो अब हमने सोचा था कि कभी ना कभी अगर हमारे पास अच्छा कुछ आया तो हम कुछ करेंगे, तो बस लड़कियों की एजुकेशन के लिए इससे अच्छा दिन नहीं था। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, खाने का किया है, कितनी खुशी मिलती है जब आप नीडी पर्सन के लिए इस तरह के कार्य करती है? अरे बहुत मिलती है, मैं तो चाहूँ तो हमेशा करती रहूँ, मुझे तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करते रहने का, ऐसा है। तो ये सोशल वर्क कब से आपके अंदर जागा, किस तरह का? ये बचपन से ही है, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करते आई हूँ, आप मेरा YouTube देखिए या कहीं भी देखिए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही हमेशा। ऐसा कभी हुआ परिवार में किसी ने रोका हो कि इतना ज्यादा सोशल वर्क क्यों? बहुत जनों ने रोका है, लेकिन है कहते ना हर अच्छी का अच्छे काम के लिए रुकावट बहुत आती है, लेकिन हमें करना है, क्योंकि मैंने इसके लिए कभी किसी से फंड नहीं मांगा है, मैं सब कुछ इंडिपेंडेंट जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ। प्रदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी तरफ पत्नी इस तरह का कार्य करी, आपका किस तरह का सपोर्ट और साथ? वो नहीं बोल पाते हैं एक्चुअली, वो नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सपोर्ट किया। देखिए विद्या जी का मैं सबसे पहला शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे पूरे TMCT फैमिली को आज उन्होंने इनवाइट किया है, मुझे सम्मान दिया है, मेरे साथ मेरी फैमिली को भी सम्मान दिया है। विद्या जी, प्रदीप जी और मैं अनु दीदी का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और जैसे कि माता रानी के भक्त है, बगलामुखी माँ के भक्त है विद्या जी, तो माता रानी ने उनको 1000 हाथों से सपोर्ट किया है ये सब कार्य करने के लिए, और उनका एक छोटा सा सपना मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो यहाँ पर, कि इंग्लिश स्कूल चालू करनी है, तो हम विद्या जी के साथ सब मिलके उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट में साथ में रहेंगे। पहले तो सबको मेरा जय भीम नमस्कार, मैं विद्या जी से जुड़ी हूँ कम से कम हो गया 12 साल हो गया होगा, तब से हम दोनों साथ में ही, अभी तक हमने मिलके बहुत सारे लॉकडाउन में वगैरह, इससे पहले बहुत सोशल वर्क किया, खाना बांटा हमने, अनाज बांटा हम दोनों ने मिलकर, बुक्स बांटे, 2-3 साल से बुक्स भी बांट रहे हैं हम लोग, अभी हम स्कूल बनाना चाहते हैं, देखो 16 जुलाई से चालू हो जाएगा, पहला जूनियर KG सीनियर KG, उसके बाद देखेंगे एक साल बाद। और विद्या जी के साथ में मेरा ये नाता हमेशा रहेगा, हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों मिलके करती है सब। तो ये स्कूल खोलने का जो आपकी सोच है, बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ा कार्य, किस तरह से आप पूरा करने का सोचते हैं कि पूरा कर लेंगे? देखो कोशिश तो पूरी रहेगी पूरा करने की, और हम लोग दोनों मिलके करेंगे, आगे चल के देखेंगे, हमारे साथ जो जो मेरे धर्मेश भाई तो जुड़े हैं, मेरे तारामा ट्रस्ट की मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग जुड़े हैं इस संस्था से, बगलामुखी चैनल से, विद्या देवी जी से, उसके आगे और भी लोग जुड़ेंगे, हम करते जाएंगे जैसे होते वैसे। देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो अनु दीदी, विद्या जी, तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट सब ने मिलकर एक साथ जो लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जहाँ हम बेसिक नीड्स की बात कर रहे थे अभी तक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, लेकिन अब राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, तो इस तरह का जो इनकी इतनी सुंदर सोच है कि एक फ्री स्कूल बनाना, और इस तरीके से आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष में पुस्तकों का वितरण करना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी पूरा राइट बनता है कि वो भी हकदार है विद्या प्राप्त करने के, और अनु दीदी, विद्या जी, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार और बुद्ध पूर्णिमा की सबको भरपूर शुभकामनाएं। हर महीने पूर्णमासी आती है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा, जैसे अनुजी ने भी कहा कि बुद्ध भगवान शांति का प्रतीक है, और ये दोनों को मैं अनुजी के साथ काम करने का अवसर मिला तब उनसे दोस्ती हुई, और बहन बोलो दोस्त बोलो एक अलग बॉन्ड बन गया है, और इनकी वजह से मैं विद्या जी से मिल पाई, और विद्या जी से मिलने के बाद कुछ अवसर ऐसे हुए हैं लाइफ में, जैसे इनके घर पे गणपति पूजन पे जाना, नवरात्रि पूजन में जाना, और आज
इस अवसर में सहभागी होने का लाभ जो मिला है, जो अवसर मिला है आज यहाँ का, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि क्या मांगे हम चाहते हैं। कि जैसे पूर्णमासी का मैं हर महीने का व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन इस कार्य से बेहतर मेडिटेशन नहीं हो सकता। और इन लोगों को शुभकामनाएं आगे ये करने के लिए, और मुझे इसका इसमें सहभागी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।